मौसम समाचार में आपको बता दें कि केरल के बाद अब मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद इन जिलों में ठंड की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बागपत और मेरठ जिलों में अगले कुछ घंटों में आपको बता दें भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आपदा विभाग तैयारी में जुट गया है। इधर आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने आपको बता दें कि प्रदेश के 4 संभागों और 4 जिलों में आपको बता दें कुछ जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य में आपको बता दें सर्दी की शुरुआत देखी जा रही है। वहीं पारा 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाने की संभावना है। प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट कल सुबह तक के लिए है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन मौसम से लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। चक्रवाती तूफान के कारण आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम करवट लेगा। बारिश के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वांचल, अवध और वेस्ट यूपी में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के आपको बता दें 19 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि बंगाली खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में तेजी से बदलाव आएगा। बारिश से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। इससे पहले ठंड और कोहरा बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें से करीब 10 जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि प्रदेश में आपको बता दें पिछले महीने सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई है। ये मौसम विभाग के आंकड़ों में दर्ज इतिहास में आपको बता दें तीसरी बार सबसे अधिक है। इससे पहले 2019 में 52% बारिश हुई थी। आपको बता दें IMD ने ये भी कहा है ट्वीट करके कि उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली के कई हिस्सों में भी बादल छाए होने की वजह से बारिश हो सकती है। पूरी दिल्ली, नरेला, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, पालम, IGI एयरपोर्ट, महरौली, छतरपुर, इग्नू, आया नगर और डेरा मंडी के अलग अलग इलाकों में और आसपास के इलाकों में हल्की तीव्रता की बारिश बूंदाबांदी होगी। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि इस माह में आपको बता दें मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कुल कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश होने के साथ ही ठंड की शुरुआत भी हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि एक दो दिनों के बीच लखनऊ सहित दिल्ली और हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है। दरअसल बंगाली खाड़ी में कम दबाव के कारण ऐसा होगा, जिसके कारण यूपी की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली से सटे हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसके बाद तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली सहित यूपी में ठंड की शुरुआत हो जाएगी।